वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू फ्रेंड्स। टुडे वी सी चैप्टर 4 ऑफ 10th क्लास हिंदी। मेरी जीवन रेखा। वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर। आइए हम चैप्टर 4 मेरी जीवन रेखा का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है। मेरी जीवन रेखा का लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विवेदी जी के इस्तीफा वापस लेने के संबंध में उनकी पत्नी ने क्या कहा। क्वेश्चन को ठीक से समझेगा। द्विवेदी जी के इस्तीफा वापस लेने के संबंध में उनकी पत्नी ने क्या कहा। इसका आंसर आ जाएगा, द्विवेदी जी के इस्तीफा वापस लेने के संबंध में उनकी पत्नी ने उनसे कहा, उनकी पत्नी ने उनसे कहा, क्या थूक कर भी उसे कोई चाटता है। उसने क्या बोला, क्या थूक कर भी उसे कोई चाटता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, होशंगाबाद में द्विवेदी जी ने क्या नई उपलब्धियां प्राप्त की। होशंगाबाद में द्विवेदी जी ने क्या नई उपलब्धियां प्राप्त की। इसका आंसर आ जाएगा, होशंगाबाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र के कवि वचन सुधा और गोस्वामी राधाचरण के एक मासिक पत्र ने द्विवेदी के अनुराग की वृद्धि कर दी। ठीक है, द्विवेदी के अनुराग की वृद्धि कर दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द्विवेदी जी लेखों की भाषा में किस प्रकार का संशोधन कर दिया करते हैं। द्विवेदी जी लेखों की भाषा में किस प्रकार का संशोधन कर दिया करते थे। इसका आंसर आ जाएगा, द्विवेदी जी लेखों की भाषा में संशोधन अधिक पाठकों की समझ में आने लायक कर देते थे। ठीक है, द्विवेदी जी लेखों की भाषा में संशोधन अधिक पाठकों की समझ में आने लायक कर देते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन प्रेस में काम करते हुए द्विवेदी जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि इंडियन प्रेस में काम करते हुए द्विवेदी जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। इसका आंसर आ जाएगा, इंडियन प्रेस में काम करते हुए द्विवेदी जी ने तृतीय रीडर पुस्तक लिखी। ठीक है, तृतीय रीडर पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दीर्घोत्तरीका, द्विवेदी जी ने अपने लिए कौन से 4 सिद्धांत निश्चित किए। क्वेश्चन को ठीक से समझिएगा, द्विवेदी जी ने अपने लिए कौन से 4 सिद्धांत निश्चित किए और उनका पालन करने में वह कहां तक सफल हुए। इसका आंसर आ जाएगा, द्विवेदी जी ने अपने लिए 4 सिद्धांत या आदर्श निश्चित किए। ठीक है, द्विवेदी जी ने अपने लिए 4 सिद्धांत या आदर्श निश्चित किए। ठीक है, यथा वक्त की पाबंदी करना। ठीक है, मैं वक्त की पाबंदी करना, रिश्वत न लेना, वक्त की पाबंदी करना और रिश्वत न लेना, अपना काम ईमानदारी से करना। ठीक है, अपना काम ईमानदारी से करना और ज्ञान वृद्धि के लिए सतत प्रयत्न करना, करते रहना। ठीक है, और ज्ञान वृद्धि के लिए सतत प्रयत्न करते रहना। पहले 3 सिद्धांतों के अनुकूल आचरण करना तो पहले 3 सिद्धांतों के अनुकूलन आचरण करना तो सहज था, चौथे की अनुकूलन सचेष्ट रहना कठिन या फिर भी उसमें लगातार अभ्यास करना भी होता है। ठीक है, और उसमें लगातार अभ्यास सफलता भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य द्विवेदी जी को किस प्रकार प्राप्त हुआ। क्वेश्चन को समझेगा, सरस्वती पत्रिका का संपादन
कार्य द्विवेदी जी को किस प्रकार प्राप्त हुआ? इसका आंसर आ जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रिया के इंडियन प्रेस द्वारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रयाग के इंडियन प्रेस द्वारा प्रकाशित तृतीय रीडर की समालोचन पुरस्कार में प्रकाशित की थी। इस समालोचन में द्विवेदी जी ने उस रीडर के बहुत से दोषों का उल्लेख किया था। ठीक है, उसने बहुत से दोषों का उल्लेख किया था। इससे प्रभावित होकर इंडियन प्रेस द्वारा उन्हें सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य संभालने का प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, उन्हें पत्रिका का संपादन कार्य संभालने का प्रस्ताव रखा गया जिससे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। ठीक है, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्विवेदी जी को विद्यार्थी जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? ठीक है, द्विवेदी जी को विद्यार्थी जीवन में किस प्रकार किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? इसका आंसर आ जाएगा, द्विवेदी जी अपने गांव के देहाती मदरसे में थोड़ी सी उर्दू और घर पर थोड़ी सी संस्कृत पढ़कर 13 वर्ष की उम्र में, ठीक है, द्विवेदी जी अपने गांव के देहाती मदरसे में थोड़ी सी उर्दू और घर पर थोड़ी सी संस्कृत पढ़कर 13 वर्ष की उम्र में 26 मील दूर रायबरेली के जिला स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने गए। ठीक है, 26 मील दूर रायबरेली के जिला स्कूल में पढ़ने गए। वे आटा दाल घर से पीठ पर लाद कर ले जाते थे। ठीक है, वो आटा दाल घर से पीठ पर लाद कर ले जाते थे। दो आने महीने फीस देते थे। दाल ही में आटे के पेड़े या टिकियाएं पका करके पेट पूजा करते थे। रोटी बनाना तब उन्होंने आता ही ना था। ठीक है, तब उन्हें रोटी बनाना तो आता ही ना था। संस्कृत भाषा उस समय स्कूल में अच्छी समझी जाती थी। ठीक है, उस समय संस्कृत भाषा स्कूल में अच्छी समझी जाती थी। विवश होकर अंग्रेजी के साथ फारसी पढ़ते थे। ठीक है, वे विवश होकर अंग्रेजी के साथ फारसी भी पढ़ते थे। एक वर्ष किसी तरह वहाँ काटे, फिर पूर्वा फतेहपुर और उन्नाव के स्कूल में 4 वर्ष काटे। कौटुंबिक दुर्वस्था के कारण वे इससे आगे न बढ़ सके। उनकी स्कूली शिक्षा की वह वहीं समाप्ति हो गई। ठीक है, और उनकी स्कूली शिक्षा की वहीं पे समाप्ति हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द्विवेदी जी का सरस्वती पत्रिका में प्रकाशन करने के लिए किस तरह के प्रलोभन दिए जाते थे? गुरु द्विवेदी जी को सरस्वती पत्रिका में प्रकाशन करने के लिए किस तरह के प्रलोभन दिए जाते थे? इस संबंध में उनकी प्रतिक्रिया क्या होती थी? ठीक है, और इस संबंध में उनकी प्रतिक्रिया क्या होती थी? इसका आंसर आएगा, द्विवेदी जी को सरस्वती पत्रिका में प्रकाशन के लिए इस प्रकार प्रलोभन दिए जाते थे। द्विवेदी जी को सरस्वती पत्रिका में प्रकाशन के लिए इस प्रकार प्रलोभन दिए जाते थे। कोई कहता, मेरी मौसी का मरसिया छाप दो, मैं तुम्हें निहाल कर दूंगा। ठीक है, कोई कहता था कि मेरी मौसी का मरसिया छाप दो, मैं तुम्हें निहाल कर दूंगा। कोई लिखता, अमुक सभापति की स्पीच छाप दो, मैं तुम्हारे गले में बनारसी दुपट्टा डाल दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे गले में बनारसी दुपट्टा डाल दूंगा। कोई आज्ञा देता है, मेरे प्रभु का सचित्र जीवन चरित्र निकाल दोगे तो मैं तुम्हें एक बढ़िया घड़ी या पैर गाड़ी नजर की जाएगी। इन प्रलोभनों पर द्विवेदी जी बहन और गुंगा बन जाते और सरस्वती में वही मसाला जाने देते हैं। ठीक है, और सरस्वती में वही मसाला जाने देते जिससे वे पाठकों का लाभ समझते। वे उनकी रुचि का सदैव ख्याल रखते और यह देखते रहते हैं कि उनके किसी काम से उनको सतपथ से विचलित होने का साधन न प्राप्त हो। ठीक है, उन्हें उनको सतपथ से विचलित होने का साधन न प्राप्त हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
असह स्पष्ट कीजिए, अव्यवस्थित चित्त वाले मनुष्य की सफलता में सदा संदेह रहता है। असह स्पष्ट कीजिए, अव्यवस्थित चित्त वाले मनुष्य की सफलता में सदा संदेह रहता है। इसका आंसर आ जाएगा उपर्युक्त वाक्य का आशय यह है कि उपर्युक्त वाक्य का आशय यह है कि व्यवस्थित चित्त ने चित्त से किया गया काम सफल होता है। ठीक है, व्यवस्थित चित्त से किया गया काम सफल होता है, उसमें सहजता और सरलता होती है। ठीक है, उसमें सहजता और सरलता होती है, आशंका तो उसमें उससे बिल्कुल नहीं होती है। इसके विपरीत अव्यवस्थित चित्त से किया गया काम कुफल होता है, वह दुखद होने के साथ आशंकाओं से भी भरा रहता है। ठीक है, वह दुखद होने के साथ आशंकाओं से भी भरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सतपथ अनुकूल जीवन विधान कर्तव्य। ठीक है, इनके हमें विलोम शब्द मीन्स अपोजिट वर्ड राइट करना है। ठीक है, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम शब्द आ जाएगा बहुज्ञ। सतपथ, सतपथ का जाएगा कुपथ। अनुकूल, अनुकूल का अपोजिट वर्ड आ जाएगा प्रतिकूल। जीवन, जीवन का जाएगा मरण। विधान, विधान का जाएगा मूर्ख। कर्तज्ञ, कर्तव्य का विलोम शब्द आ जाएगा कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। हमें यहाँ पर जो शब्द गिवन है उनके हमें पर्यायवाची शब्द राइट करना है। ठीक है, सरस्वती, मित्र, ग्रह, आत्मज, तरक्की। ठीक है, इनके हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। सरस्वती, सरस्वती का पर्यायवाची आ जाएगा देववाणी, वाग्देवी। देववाणी, वाग्देवी। मित्र, मित्र का पर्यायवाची शब्द आ जाएगा साथी, दोस्त। ठीक है, मित्र का पर्यायवाची आ जाएगा साथी, दोस्त। ग्रह, ग्रह का पर्यायवाची शब्द आ जाएगा घर, आवास। ठीक है, आत्मज, आत्मज का पर्यायवाची शब्द आ जाएगा पुत्र, बेटा। ठीक है, आत्मज का पर्यायवाची शब्द आ जाएगा पुत्र, बेटा। तरक्की, तरक्की का पर्यायवाची शब्द आ जाएगा उन्नति, प्रगति। ठीक है, उन्नति, प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्प में से चुनकर कीजिए। हमें यहाँ पर ब्रैकेट में जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से हमें चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, हमें यहाँ पर जो ब्लैंक जगह दी गई है उसमें हमें फिल करना है। उसने अपनी जीवनी कथा निर्देश है, तो हमें यहाँ से राइट करना है लिखिए। ठीक है, उसने अपनी जीवन कथा लिखी है। सेकंड नंबर भी देखते हैं, द्विवेदी जी थे देश देश, द्विवेदी जी थे देश देश, तो हमें यहाँ पर राइट करना है देहाती। ठीक है, द्विवेदी थे देहाती। थर्ड नंबर देखते हैं, द्विवेदी जी का अनुराग देश देश पर हो गया था, तो हमें यहाँ पर राइट करना है रामचरित मानस। ठीक है, द्विवेदी जी का अनुराग रामचरित मानस पर हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ नंबर पे, सरस्वती देशदेश पत्रिका थी, सरस्वती देशदेश पत्रिका थी, तो हमें यहाँ पर राइट करना है मासिक। ठीक है, सरस्वती मासिक पत्रिका थी। फिफ्थ नंबर देखते हैं, देशदेश की कमी के कारण द्विवेदी जी अध्ययन न कर सके। हमें यहाँ पर राइट करना है समय की कमी के कारण द्विवेदी जी अध्ययन न कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए कथनों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। हमें यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं उसमें से जो सही विकल्प है वो हमें चुनकर राइट करना है। द्विवेदी जी ने आदर्श निश्चित किए 4, 2, 10 कोई नहीं, तो इसमें से राइट आंसर आएगा 4। ठीक है, द्विवेदी जी ने 4 आदर्श निश्चित किए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द्विवेदी जी संपादक थे, द्विवेदी संपादक थे हंस के, माधुरी के, सरस्वती के, इंडियन प्रेस के, तो राइट आंसर आएगा द्विवेदी जी संपादक थे, तो ऑप्शन देख लेते हैं, हंस के, माधुरी के, सरस्वती के, इंडियन प्रेस के, तो हमें यहाँ पर ऐड करना है सरस्वती के। ठीक है,
सेकेंड नंबर का आंसर आ जाएगा इंडियन प्रेस की, जो यहाँ पर लिखा है 8 रुपये, इसको कट करके हमें राइट करना है इंडियन प्रेस के संपादक थे द्विवेदी जी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द्विवेदी जी का जन्म हुआ था, द्विवेदी जी का जन्म हुआ था 1884 में, 1864 में, 1874 में, 1964 में। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा 1864 में। ठीक है, द्विवेदी जी का जन्म हुआ 1864 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ नंबर पे द्विवेदी जी को सरस्वती से आमदनी थी 23 रुपये, 8 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये। तो इसमें से राइट आंसर आ जाएगा 23 रुपये। ठीक है, द्विवेदी जी को सरस्वती से 23 रुपये की आमदनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य सत्य है या असत्य, वाक्य के आगे लिखिए। ठीक है, हमें यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं, यहाँ पर हमें जो सत्य है उसके सामने, सॉरी, जो वाक्य सत्य है उसमें हमें सत्य राइट करना है, जो असत्य वहाँ पर हमें असत्य राइट करना है। द्विवेदी जी को अपनी कथा कहते हुए संकोच नहीं होता है। ठीक है, तो यह जो स्टेटमेंट है यह असत्य है, तो हमें यहाँ पर असत्य राइट करना है। रेलवे में द्विवेदी को 50 रुपये महीने मिलते थे, रेलवे में द्विवेदी को 50 रुपये महीने मिलते थे, तो यह स्टेटमेंट सत्य है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सत्य राइट करना है। थर्ड नंबर पर दिया गया है द्विवेदी जी के पिता ईस्ट इंडिया कंपनी की पलटन में सैनिक थे, द्विवेदी जी के पिता ईस्ट इंडिया कंपनी के पलटन में सैनिक थे, तो यह स्टेटमेंट सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अत्याचार के सहने से असहनशीलता प्रकट होती है। ठीक है, अत्याचार के सहने से असहनशीलता प्रकट होती है, तो यह स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमें यहाँ पर असत्य करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सरस्वती अपने समय की एकमात्र पाठकों की सेविका थी, तो यह स्टेटमेंट सत्य, हमें सत्य राइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। हमें यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं इनके उत्तर एक शब्द में लिखना है। ठीक है, द्विवेदी किसके आत्मस्थ थे, द्विवेदी किसके आत्मस्थ थे, इसका आंसर आएगा देहाती के। ठीक है, द्विवेदी देहाती के आत्मस्थ थे। द्विवेदी जी का निधन कब हुआ, 1938 में। ठीक है, द्विवेदी जी का निधन 1938 में हुआ। द्विवेदी जी की उन्नति का प्रधान कारण क्या था, ज्ञान लिप्सा। ठीक है, द्विवेदी जी की उन्नति का प्रधान कारण ज्ञान लिप्सा था। प्रलोभनों पर द्विवेदी जी क्या बन जाते थे, गूंगा और बहरा। ठीक है, प्रलोभनों पर द्विवेदी जी गूंगा और बहरा बन जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ नंबर पे द्विवेदी जी किसका ख्याल रखते थे, द्विवेदी जी किसका ख्याल रखते थे, इसका आंसर आएगा द्विवेदी जी पाठकों का ख्याल रखते थे। ठीक है,